हमारे देश में महिलाएं आज़ाद हैं, वो सब करने के लिए जो वो करना चाहती हैं, अपने मनचाहे कपड़े पहनने के लिए, पसंद का खाना खाने के लिए और घूमने के लिए। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ तक कि वो अपने मनचाहे लड़के से शादी करने के लिए भी आज़ाद हैं। लेकिन इन आज़ाद महिलाओं और लड़कियों में केवल उनकी गिनती की जाती है जो पढ़े लिखे या फिर किसी अच्छी खासी अर्बन क्लास सोसाइटी से बिलोंग करती हैं। जी हाँ, क्योंकि हकीकत असल में यही है। कई बड़े बड़े शहरों में भी आज के वक्त में महिलाओं को उनके तरीके से जीने का अधिकार नहीं है। आज भी महिलाएं घूंघट की आड़ में जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। जी हाँ, घूंघट। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार सहित ना जाने कितने ही राज्यों में हिंदू धर्म की महिलाओं को शादी के बाद घूंघट करने की परंपरा का चलन है। तो वही बात अगर मुस्लिम वर्ग की करें तो इस्लाम में लड़कियों से लेकर महिलाओं तक के बुर्का पहनने की प्रथा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर भारत में इस पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई कैसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इंडियन नेस में और मैं हूँ आपके साथ पारुल यादव। क्योंकि ईसा से 500 वर्षों पहले तक भी कहीं पर्दा प्रथा का कोई जिक्र नहीं है, तो वहीं प्राचीन वेदों और धर्म ग्रंथों में भी पर्दा प्रथा का कोई विवरण नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि रामायण और महाभारत में भी स्त्रियों के पर्दा करने को लेकर कोई बात नहीं कही गई है। इसके अलावा अजंता और खुजराहो की कलाकृतियों में भी महिलाओं को बिना घूंघट के ही दिखाया गया है। हालांकि जातक कथाओं की रचनाओं में कहीं कहीं औरतों के पर्दे में रहने का उल्लेख मिलता है। कई बुद्धिजीवियों की माने तो पर्दा प्रथा का चलन भारत में मुगलों के आने के बाद शुरू हुआ। दरअसल पर्दा एक इस्लाम शब्द है जो कि अरबी और फारसी भाषा से आया है। इसका सीधा सा मतलब है ढकना या अलग करना। ऐसा माना जाता है कि मुगलों के भारत आने से पहले केवल कुछ राजघरानों में ही घूंघट प्रथा के बारे में पढ़ने को मिलता है, और जैसे जैसे मुगल शासकों ने भारत में अपने कदम जमाए वैसे वैसे पर्दा प्रथा का चलन भी हिंदुस्तान में काफी तेजी से बढ़ता चला गया। वैसे भारत में इस प्रथा की शुरुआत 12वीं सदी से मानी जाती है। हालांकि 20वीं सदी से इस प्रथा के विरोध में कई जागरूकता अभियान और प्रदर्शनों के चलते कमी देखी गई है। खैर, ये तो था पर्दा प्रथा के भारत में आने का इतिहास। मगर अब बात आती है इसके चलन के पीछे की वजह की। तो मुगलों के भारत आने के बाद भारत में बलात्कार जैसे मामले भी सामने आने लगे थे। धीरे धीरे स्त्रियों की आबरू को बुरी नजरों से बचाने के लिए बुर्का और घूंघट का चलन जोरों से बढ़ने लगा। इसके बाद बस जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे लोगों ने इसे परंपरा मानकर अपनाना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में तो महिलाओं ने भी इस प्रथा का काफी समर्थन किया और परंपरा के नाम पर सिर पर पल्ला या घूंघट करना या फिर बुर्के से हर वक्त खुद को ढककर रखने का चलन जारी रखा। हालांकि सिर्फ सिर पर पल्ला करना या घूंघट करना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इन परंपराओं के साथ जुड़ी छोटी सोच से न सिर्फ औरतों के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचती है बल्कि समाज में एक और गलत सोच को जन्म मिलता है। दरअसल पर्दा प्रथा के पीछे दिए गए कारण के अनुसार महिलाओं को अपने मुंह को केवल इसलिए ढककर रखना चाहिए ताकि कोई पुरुष उसका मुंह ना देख सके। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमारे समाज में सिर्फ कामुक पुरुष ही भरे हुए हैं और सिर्फ औरतों का, लड़कियों का या स्त्रियों का सिर्फ मुंह देखने से वो उन पर टूट पड़ेंगे। तो वहीं हिंदू धर्म में घूंघट प्रथा स्त्री के चरित्र और संस्कारों को भी दर्शाती है। चाहे बात शहरों की करें या फिर ग्रामीण भारत की, हिंदू धर्म में औरतों को अपने ससुर, जेठ, नंदोई या फिर ससुराल में हर उस पुरुष के सामने घूंघट में रहना पड़ता है जो उम्र में उससे या फिर उसके पति से थोड़ा भी बड़ा क्यों ना हो। तो वहीं उत्तर प्रदेश में तो कई जगहों पर घर की बहुओं को अपने ससुर के सामने बात करने की भी इजाजत नहीं होती। शादी के बाद अक्सर कुछ इसी तरह की रूढ़िवादी परंपराओं और सोच के चलते अपनी जिंदगी सुकुड़कर जीने पर महिलाएं मजबूर हो जाती हैं। मर्यादा और बड़ों का सम्मान करने के नाम पर 24 घंटे घूंघट में रहना, तेज आवाज में बात ना करना, सास ससुर के सामने जमीन पर बैठना और बस साड़ी के पल्लू की आड़ में अपनी पूरी जिंदगी यूं ही बिता देना। और तो और, जो औरतें इन परंपराओं को नहीं मानती उन्हें समाज की नजरिए से चरित्रहीन या फिर कहें कि बच्चरन तक मान लिया जाता है।
इस प्रथा के चलते भले ही किसी को कोई शारीरिक या मानसिक नुकसान नहीं पहुंचता, मगर महिलाओं के आगे बढ़ने के बीच में ये प्रथा एक रोड़ा बनकर जरूर उभरती है। पर्दे या बुरके में रहने के कारण उनको सामाजिक और बाहरी दुनिया से वंचित रहना पड़ता है। लोगों से कम बातचीत और दायरों में बंद कर उनके आत्मविश्वास को पूरी तरह से दबा दिया जाता है और ऐसी महिलाएं हमेशा किसी न किसी पर निर्भर रहकर ही अपनी पूरी जिंदगी बिताने को मजबूर हो जाती हैं। हालांकि आज के वक्त में कई औरतों ने अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दिया है। ऐसे में ना सिर्फ पर्दा प्रथा बल्कि हमारे देश में जारी ऐसी ही कई रूढ़िवादी प्रथाओं को पीछे छोड़कर महिलाएं ऊंचाइयों को छू रही हैं, जिसके कितने ही उदाहरण आज हमारे सामने मौजूद भी हैं। देश की पहली महिला अभिनेत्री दुर्गाबाई कामत से लेकर पहली महिला IPS किरण बेदी तक ना जाने कितनी ही ऐसी औरतें हैं जिन्होंने समाज की इन रूढ़िवादी सोच से ऊपर उठकर अपना नाम देश भर में रोशन किया है।